पंचवटी में जाई थी, पंचवटी में जाई हो। जय हो जय हो। सीता सतवंती नार रामचंद्र को संग कीनो 14 साल वनवास में भटकी ली, पर रावण का प्राण लिया ये नहीं। राम रावण ने लड़ाया, फिर झगड़ा से न्यारी देवरिया सूर्पण घा का नाक कान कटार दिया, खरदूषण के सर्वप्रथम दियो मराय। और आर्य दुआपुर में बनी, जय हो, आपे या तो द्रौपदी रे देवर, हरि हरि, पंडवा को संगी इनो हो। We'll be right back.
चंदा के घर चंद्रावल के बाणी कौरव चढ़ गई पांडव चढ़ गई और भीम चढ़ियो है ने गजधारी देवरिया या बात ने दिल में क्यों नहीं बिचारी अब कलयुग में काल का बनी और तुम्हारी मुंडी की माला पेरेगा मानी जाओ रे जय हो सभी मुझे विचार करियो नया ने देर घनी कर दी अभी तक नहीं आयो घोड़िया भी श्रृंगार दी सभी भोज भी नया जी के पास पहुंचेगा महारावत पहुंचेगो बहारावत पहुंचेगो अड़सी बड़सी कोड़ा कुमाना लाला जी बालाजी धन्ना जी मांगू जी आलदे जी मालदे जी खातड़ गोदड़ हल्लू ठिको जोदो जगरूपो रावतो सुरजनो बगड़ावतान का नाम प्रथम तेजाजी सेजाजी भोजाजी नेवाजी महारावत भारावत अड़सी बड़सी कोड़ा कुमाना लालाजी बालाजी धन्नाजी मांगूजी आलदेजी मालदेजी खातड़ गुद्दड़ हल्लू ठिको जोदो जगरूपो रावतोर सुरजनो जय हो खाना जी भी नाम का था सब एकत्रित होएगा और जब एकत्रित होया नया जी की साडू जी की बात चली रही सब सुन ही लिया माता साडू फिर क्या समझा रही देवर मारा मान लो तो नया जी ने एक ही बात कही कि सीता नहीं जाना सती नहीं जाना मैं तो कोई जगदम्बा नार खाली रानी जाना बांका राव की जने लावा घोट के मार जय हो उस वक्त माता सती साडू आखिरी एक और बात समझा रही है घरे रे मेल मेड़िया देवर वर हो घर ने या माया मली देवर हरि कहीं पर घर चू खबा जावे जावे घर ने आंगण वोट लाहे हरि कहीं पर घर बैठ बजावे जी मत लगा जो यंग जी
नारायण भगवान की जय। पर नारी या मीठी छुरी है देवरिया, घरे आंगन घरे वोटला घरे मेल घरे मेडिया परगरे बिठवा मत जाए। और घरे ही देखो जो है आबा अमली तो कहीं परगर चूकबा जाए रे देवरिया, मान लो भारी बात। जय हो नारी निद्रा नागणी। जय हो। और यह तन बिसकी वे पहले बेरी मारे छेदाव से तो यह मारे हंसके। जय हो। दुश्मन तलवार बंदूक से मारता है, एक बात और बताई, नारी निद्रा मत करो। जय हो। नारी नरकी खान। जय हो। नारी सेवो नारी उपजारे कि ध्रुव प्रहलाद समान। जय हो। छोटी मोटी कामनी ये सब विसकी बेल बेरी मारे दाव से तो ये मारे हंस के। जिस प्रकार घड़ी का डायल में सुई चले नहीं, इस प्रकार स्त्री का दिमाग चलता है। जय हो। अरे भाई सेल चतुरी मारा मन रूपी भवरा। भजन का आनंद लेना है उठाएं दोनों हाथ, एक भाव से तालियां होना चाहिए, क्योंकि आज और काल को दिन साइड से अपने पास नहीं मालूम फिर भगवान नारायण कब आप और हम सबका मिलान करें। अरे सेल चतुर मारा मन रूपी भवरा हो। अरे पर घर प्रीत माता की जय के भाई मारा दिल चतुर मारा मन रूपी भवरा।
से सदगुरु भगवान की जय। बार बार सती साधु समझा रही है सती कह रही मान लो जेना सरवर को तमे पियो रे पानी देवर राणा जी तमारा पागड़ी पलटन भई है और उनकी नारी को मत लाओ। प्रयास पाके अभ्यास पाके ध्यान रहे अगर यह कथा कि इतनी जल्दी तारीख फिक्स हुई साहब यह ओकी कृपा है। 2013 में कथा करने के लिए आया था मैं यहां पर और वह कथा नया नहीं हुई थी वहां हुई थी कॉलोनी में पिलवास का नाम से टेलीफोन आयो तारीख निकालनी पड़ी क्योंकि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा अपना मान टले टल जाए परंतु भक्त का मान कभी नहीं टलते देखा कारण वो कि अपना देव नारायण भगवान की कृपा है पर वो की कृपा तो है यानी बावंड्री का 200 फीट दूर तक ध्यान रहे मेरे बहन भाई इस बात को अंदर उतारना मैं किसी से किसी के कहने से व्यास मंच पर कभी नहीं बोलता हूं भले ही कोई कहीं कही दे कोई का कहया मैं नहीं बोलूं परंतु स्वयं का अनुभव से कह रही हो मैं देख रहा हूं आज कथा को छठो दिवस है कहीं के बेने के धन दातार धन देवरार धन पुजारी लाल पार ब्रह्म ने सेवता खोली पलट जा खाल परंतु एक सेवता तो खोली खाल पलट जाए पर एक मंदिर का आस पास जो क्वार्टर पड़ रही तो जड़ा मोल से भी खोई दे। जय हो। मैं देख रहा हूं यहाँ की समिति यहाँ के हर एक गांव के नागरिक बंधु से मारो निवेदन है कि साहब यह इतनी सी कार्यक्रम बनाओ गोविंद सिंह जी क्योंकि भगवान जब देता है तो ढेरों के ढेर दे देता है मेरे बहन भाई और लेता है नहीं तो चमड़ी भी उधेड़ ले रीजे तो राज और खीजे तो खीजड़ो इसलिए ध्यान रहे। एक और निवेदन करूंगा मंदिर तो अपनो बनीगो परंतु इना मंदिर में भी दो काम बाकी रहा है मारा हिसाब से एक तो देवनान भगवान माता साडू और श्री कंवर भोणा जी महाराज की इतनी इतनी बड़ी जो मूर्ति आवे संगमरमर आजकल हर गांव में बैठी हुई है। दूसरी बात एक शिखर दर्शनम पाप नाशम मेरे बहन भाई शिखर भी होना जरूरी है। तो पिलवास गांव की हर एक नागरिक बंधुओं से सभी सज्जनों से और सभी माता बहनों और से सभी बुजुर्गों से एक मारो निवेदन है आज जोड़ी के कि इतरो सो काम और कर दो मैं दावे के साथ कहता हूं मेरा नारायण दुगना देगा और चौगना देगा। वो थारा परिया बनानी टोटो काय को पड़े
सभी के ध्यान देनो है और करिया से होवे उसी समय साडू गुजरी ने बहुत समझाया नहीं मानी। आखिरी में माता साडू ने एक बात और बताई, ये देवरिया या बाकी आदत छोड़ दे तो नया जी ने क्या कहा, जय हो बांकारी जो बाल मा हरे हरे ये जे की बाकी तो यादर हो वे जी बांकारी जो बाल पचरंग ढोलियो ढाल सूती ने सपनो आयो मैंने देखा सपना में आल और जंजाल तुम्हारा चौबीसी भाई का शीश कटता देखिया देवर खारी नदी खून से पुर जाती देखी
रक्त का कीचड़ देखा और मैंने धक 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 धकता देखा रे मसान मसान तुम्हारा दड़का ऊपर शीश को नहीं देवरिया और बिना शीश के धड़ लड़ी जो है माता सती साड़ू ने जब ये बात बताई मेरे बहन भाई तो नया जी ने कहा भाभी तुमने कई उबा बड़ी ने ढोलियो ढाली ली होगा दिशा को फर्क पड़ी होगा तमारो रही होगा छाती का ऊपर हाथ ये सपना आल जंजाल तो आता जेता रेवे ये कोई सांची बाता नहीं होया करे माता साड़ू ने कहा देवरिया मैं सत्य कह रही हूँ उस भवानी को अगर आप ले आओगा तो खेड़ा गोठा का उजड़ हो सके जय हो बगड़ावता ने सभी भाई ने कह दिया कि नहीं हम तो जावांगा और उन्हें लावांगा अंजनी लाल की बजरंग बली महाराज की जय कंवर भूणा जी महाराज की जय कृपया सभी शांति बना रखे वो भक्ति के रंगे रंग में जय हो हनुमान नजर आए बोलो रे बोलो बालाजी महाराज की जय हो भक्ति के रंगे रंग में हनुमान नजर आए महारावत की ताकत एक अति में है सो अति की ताकत एक रति में है और सो रति की ताकत एक अति रति में है और सो अति रति की ताकत एक दबल में है और सो दबल की ताकत एक सबल में है सो सबल की ताकत एक भट में है और सो भट की ताकत एक सुभट में है और सो भट सुभट की ताकत एक दारुण भट में है और सो दारुण भट की ताकत राजा इंद्र का ऐरावत हाथी में है और सो ऐरावत हाथी की ताकत एकला राजा इंद्र में है और सो इंद्र की ताकत खेड़ापति हनुमान जी महाराज की मात्र एक रोम में है मेरे बहन भाई सभी बैठ जाओ बे भक्ति के रंगे रंग में हनुमान
चार जयकारो लगानो है। बोलो रे बोलो अंजनी लाल की जय हो। गयो के रियो गयो यही चावा सुमरु पवन सुत पावन नामो जय हो। अपने मस करी राखे हूँ रामो माता साडू बार बार समझा रही है। आखिरी में बगड़ा बतौर ने नहीं मानियो तो साडू माता ने एक विचार करियो। एक घरे सोयो एक दादा खूब दारू पिए माने को नहीं। भाई ने की उनकी धर्म पत्नी ने के नटियारा लोगोर कसा घर चले रिया तम भी तो घर चलाओ दादो न समय टका टक तो थोई सही चढ़ी गो घर की म्याल का ऊपर रूम उछलो रे नी वो पकड़ लियो और बोलियो के ले घर चाल। वा बोली ये परमेश्वरा तू तो खूब पी ऐसा घर नहीं चले घर चलाने के लिए कर्म करना पड़े जय हो प्रयास करना पड़े। दो सगा भाई था बखर गेरी रिया था खेत पे। अब जब भी बखर गेरी रिया तो पुराना जमाना की बात है सेंट वालो सेंट बेचने के लिए जाई रियो तो साइकिल से। अब उनने कहीं करियो कि दोई भाई ने बखर रोकी दोई की अलग अलग बखर चली रही थी सेंट वाला के रोकियो बखर भी उनने रोकी दी और बोलियो ए भैया कहीं नहीं जी रहे हो। तो पुराना जमाना में उन्हें इत्र कहवे के सेंटर ले जा रहा हूं इत्र देखा बता तो रूई को पुमड़ो लियो एक बूंद डाली तो वो दादो ना तो नाक में लगाई ना कान में ना जेब में धरी खागी होने ले गयो ललकार के यार बोलियो दादा अच्छी नहीं लगी रही केवल लगो कितना बड़ा मूर्ख आदमी है कान में लगा तो जेब में दर तो आनंद आता खुशबू आती खागियो
दूसरो भाई आयो वो बोलियो कि दादा कहीं हो तू क्यों नाराज हो रही हो क्या उन सेंट लायो जो खाई गो देखा मारे बता तो एक और रूई को पोमड़ो निकाल जाने जो समझदार होगा तो उन्हें एक बूंद डाली ओके दी तुमने जेब में धर ली वो बोलियो कि दादा तुम होशियार हो क्यों ये एक पागल तो खा गयो कि यो तो आखी जिंदगी को बेंडो बड़े जो पहला खाई ले मारी दफोरिया में रोटी आएगा नहीं उसका साथ में खाऊंगा जय हो सत्यनारायण भगवान की जय माता साडू के एक ध्यान आयो कि अभी भगड़ावत नहीं मानी रिया तो एक और काम करा देखा इनका हाथ से कहीं को अच्छो काम हो जाए तो घनी अच्छी बात है। सतवंती साडू क्या कह रही है कि इनके कहीं तीरथ भरत मोकल ना आवे मैं अगर ही रही जाए तीरथ भरत में तो इनकी तारीख निकल जाएगा। अरे पुष्कर कुरु क्षेत्र बाजे बाजे पुष्कर जी में कुरुक्षेत्र बाजे ध्यान रहे आज के कार्यक्रम में आप सभी पधारे और रोज ही पधार रहे हो आप सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन। दूसरी बात हमारे बासाब सामू गांव से पधारे हैं शायद गुलाब सिंह जी नाम है उनका और हमारा बहुत पुराना रिश्ता है उनके लिए जोरदार तालियां। अशोक तो नहीं मुझे नाम भूल गयो पंडा बा नहीं भूलियो है नहीं। अरे पुष्कर जी में कुरुक क्षेत्र अरे क्षेत्र बाजे बाजे जे में अमर करती जो धाम दी लगी कैसो करो के कसो खूब राण में जाजो खूब ओनी भवानी के लाजो पर खाली एक बात मान लो रे मतवाला और तमाना पगे पड़ू जय हो कांकी के पुष्कर में चली जाओ सात पेड़ी सोना की बनाई दो माँ ब्रह्मा जी का दर्शन कर लो थोड़ी बहुत जगह खरीद लो गुजरा को घाट कायम कर दो जेके बाद खूब पुष्कर की बात से जई के आजो और खूब राण में जाजो और खूब रानी लाजो थाके जमे जो कर जो जय हो। जब बारंबार सतबंती की बात कुछ सभी भोज को समझ में आई और जो सभी भोज को बात समझ में आई तो मतवाला राजकुमार
अरे हो यारे घोड़िया पे आयास वहरे अवारे वा बेटा अरे बागे रावत कई लाड़े पुष्कर जी के तलाव जय हो। उस समय पे यूं बतावे है कि सवई भोज महाराज ने पुष्कर के तलाव में सात पेड़ी सुन्ना की बनाई थी। कथा का माध्यम से बता जो मुंह बता रही हूं, परंतु कई मालूम बाद में कहीं का चोलड़ा खोद ले गया होता। सात पेड़ी सुन्ना की बनाई, ब्रह्मा जी का दर्शन किया, मंदिर का शिखर चुनवाया और चौबीसी बगड़ावत पुष्कर जी के तलाव में वापस किस प्रकार स्नान कर रहे हैं। अरे ले बादे जकोलो ले बादे वो पुष्कर जी की पेड़ी ये जा बादो रे मन राम जकोलो ले बादो विधानसभा के विधायक महोदय श्री विक्रम।
आकर देवनारायण का पूजन अर्चन करें। बोलो रे बोलो बालाजी सरकार की जय हो। क्या कहा